मैं ऐसे कुछ भी सोच के गाना नहीं लिखता हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ खत्म करूँगा. इट्स मोर लाइक अ विजुअल ट्रैवल फॉर मी. मतलब मैं जब गाना लिखता हूँ तो मुझे चीजें दिखती हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि हम पूरी दुनिया को आसपास अब वी आर जस्ट लुकिंग एट पीपल ऑब्जर्विंग व्हाट्स हैपनिंग है ना एंड टेकिंग इट ऑल इन. जैसे मैस्कॉम की स्टार्टिंग थी कि मेरे लोग सोते सड़कों पर, असली खबर को कवर ना करें कभी खबरों में, तो मेरे लोग पड़े लफड़ों में. और ये वो जो चीज मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन, लोग मर रहे हैं पर लोगों की वहां पे बैटल ही कुछ और चल रही है. और जो उस टाइम पे लोगों की परेशानियां थी, जो मैं पढ़ रहा था, दैट बिकम्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो उन तकलीफों को बोल पाना, लाइक व्हेन पीपल नो समथिंग इज हैपनिंग एंड यू टेल देम अबाउट इट एज वेल, दैट मेक्स देम फील रिलेटिव. और रिलेटिबिलिटी की मेजर लड़ाई है. अगर तकलीफ में भी आप रिलेट नहीं कर सकते ना, तो भी आप तकलीफ नहीं समझ पाएंगे. कोई बंदा मेरे को मेरी गाने की लाइनें गा के सुना रहा है, तो वो मुझे नहीं पता कि एक्चुअली उस लाइनों को समझ के सुना रहा है या बिकॉज राइट नाउ इट्स अ ट्रेंड है. समझ रहा है ना जो बंदा, जो समझ रहा है उस चीज को, जिसने अप्लाई किया उसको अपनी लाइफ में, या उसकी लाइफ में कोई चेंज आया है ना. दैट इज वेयर आई बिलीव. लाइक देयर वाज दिस गाय अर्जुन नाम का एक लड़का था अभी, और मैं गोवा आया ही आया था, लॉकडाउन भी स्टार्ट नहीं हुआ था. ही फ्लू फ्रॉम आई थिंक बैंगलोर से वो पहले दिल्ली गया, उसको लगा मैं दिल्ली में, मेरी स्टोरी देख के मैं वापस आ चुका था. देन ही केम डाउन टू गोवा एंड देन ही मेट मी एंड उसने ऐसे कुछ बताया था मेरे को. तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं यार. तो मुझको यही लगता है कि आई एम जस्ट ग्लैड दैट इट हैपेंड. मैं जैसे गाड़ियों में से वो स्नाइपर वाला गाना है, उसका शॉट क्या है कि मैं लैम्बो के दरवाजे पे खड़ा हुआ, चल रही है, दैट्स अ सेफ्टी हैजर्ड. ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ दैट्स अ सेफ्टी हैजर्ड. बट नाउ द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट गो बैक, और उतनी छोटी सी चीज को मैं ऐसे पलट नहीं सकता ऑब्वियसली. पर कहीं ना कहीं किसी को इंस्पायर किया होगा. हमने भी देखा किसी को ऐसे बैठे हुए, तो शायद मैं चढ़ गया उसको, कोई और बच्चा भी कर रहा होगा. तो देखो खूबियां हैं तो गलतियां भी कर रहे हैं, तो कोई कुछ ना ही बता. So when you are collaborating with a musician, do you see these things? Do you first jam with them and then you decide कि हाँ collaboration हो सकता है या बात करने में समझ में आ जाता है? Vibe जो होती है ना, vibe का मतलब है इंसान की personality. और personality बताऊँ कैसे match होती है. दो लोग ही खूबियाँ match नहीं होती, दोस्त तब बनते हैं जब दो कमियाँ match हो. अगर आप में और आपके दोस्त में सेम कमी है ना, जैसे दो लोग चुपके सुट्टा मारते हैं, मैं पापा से चुपके, तो आप जिगरी दोस्त हैं. ऐसे बनते हैं दोस्त, ऐसे मिलता है भाई. तो कई कई बार ना आप यही देखते हो कि आपको लक्षण दिख जाते हैं अपने जैसे. तो एनीबॉडी आई हैव मेट, व्हेन आई मेट देम, हमारे सबके कुछ ना कुछ अवगुण जरूर मिले. क्योंकि खूबी तो है ही, खूबी तो यही है, वो जितने भी थे सब लोग आर्टिस्ट हैं, सब लोग अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, अपना स्टाइल बना रहे हैं, पर हमारे अवगुण मिले थे कुछ ना कुछ, पर वो अवगुण मैच नहीं कर पाए बाद में. वाइब नेचुरल बनती है यार, उसका कोई ऐसे तरीका नहीं है. कोई मतलब हैमस्टर तो थोड़ी है कि किसी को बुला लिया, व्हील पे चढ़ा दिया, मतलब भाग के देखा जो जितने पहिए घुमाएगा वो अपना जीत. देयर इज नो ट्रिक टू इट मैन. ये मिर्ची खा चल, अगर तेरे आंसू नहीं आए तो तू मेरी वाइफ. मेरे गाने तैयार हो हर तरीके के. मैं इसलिए नहीं बोल रहा कुछ कि शूट करके दिखाऊंगा, नहीं तो अगर ऐसा होगा तो कुछ गाने तो मैं ऐसे ही डाल दूंगा. The thing is, bro, I want to start a flow. मतलब या एक बारी जब मैं डालू ना, जब पहला गाना अगला डालू ना, उसके बाद वो रोटेशन बंद नहीं होगी.